हेलो फ्रेंड्स, किडनी की सूजन के लक्षण, पहचान, परहेज और घरेलू उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। किडनी में अगर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो हमें जब पता चलता है, जब बहुत ज़्यादा ख़राबी आ चुकी होती है, उससे पहले कई बार हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुरंत आप अपना टेस्ट करा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, पहचान कैसे होगी आपको कि किडनी की प्रॉब्लम है? पेशाब करते समय दर्द महसूस होता है और कभी कभी पेशाब रुक रुक कर आने लगता है। मूत्र में बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पीठ में दर्द व बेचैनी होती है। सिर दर्द भी बना रहता है। मन न लगने की परेशानी, व्याकुलता, बदन में दर्द आदि लक्षण भी नज़र आते हैं। तो गुर्दे में सूजन होने से रोगी का पेशाब पीले रंग का होता है। रोगी का शरीर भी पीला होने लगता है। पलकें सूज जाती हैं। पेशाब रुक रुक कर आता है। कभी कभी पेशाब के साथ खून भी आ जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी में कभी कभी बेहोशी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का नहीं खाना चाहिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ। गुर्दे की सूजन से पीड़ित रोगी को भोजन करने के तुरंत बाद पेशाब करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। गुर्दे की बीमारी, कमर दर्द, जिगर के रोग, गठिया आदि अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। किडनी की सूजन से पीड़ित रोगी को ज़्यादा मांस मछली, मुर्गा, ज़्यादा पोटेशियम वाले पदार्थ, चॉकलेट, कॉफ़ी, दूध, चूर्ण, बियर, वाइन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस रोग में सूखे फल, सब्जी, केक, पेस्ट्री, नमकीन, मक्खन आदि नहीं खाना चाहिए। अब जानते हैं कि इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तुलसी, अजवाइन, सेंधा नमक और पानी। तुलसी की पत्तियां 20 ग्राम लेनी है आपको। अजवाइन 20 ग्राम लेना है। सेंधा नमक 10 ग्राम लेना है। इन सबको छाया में सुखा लें। फिर इन्हें पीसकर चूर्ण बना लें। सुबह शाम गुनगुने पानी से 2-2 ग्राम चूर्ण खिलाएं। एक ही खुराक में गुर्दे के दर्द सूजन में आराम आ जाएगा। भुनी हुई फिटकरी 1 ग्राम दिन में कम से कम 3 बार लेने से गुर्दे की सूजन दूर हो जाती है। सुबह नाश्ते से पहले 1-2 नारंगी खाकर गर्म पानी पीना चाहिए या नारंगी का रस पीना चाहिए। इससे गुर्दे की सूजन ठीक होती है। नारंगी गुर्दों को साफ रखने में उपयोगी होती है। गुर्दे के रोग में सेब और अंगूर का उपयोग करना भी लाभकारी होता है। गुर्दों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह खाली पेट फलों का रस प्रयोग करें। गुर्दे के रोगी के लिए बथुआ बहुत ही फायदेमंद होता है। पेशाब रुक रुक कर आता हो तो इसका रस पीने से पेशाब खुलकर आने लगता है। आप इसकी सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। और अरबी गुर्दे की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो अरबी की सब्जी भी बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। गुर्दे की सूजन में तरबूज खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। और गाजर और ककड़ी का रस पीने से गुर्दे की सूजन में आराम आता है। इससे पेशाब भी खुलकर आने लगता है। आलू में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे ज़रूर खाना चाहिए। गुर्दे की सूजन में आराम मिलता है। चंदन के तेल की 5-10 बूंदें पताशे पर डालकर दूध के साथ रोजाना 3 बार खाने से गुर्दे की सूजन में आराम मिलता है और दर्द कम होता है। प्रतिदिन आम खाना चाहिए, इससे भी गुर्दे की कमजोरी दूर होती है। मकोए का रस 10-15 मिलीलीटर रोजाना लेने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। इससे गुर्दे और मूत्राशय की सूजन व दर्द दूर होता है। गुर्दे की खराबी से यदि पेशाब बनना बंद हो गया है तो मूली का रस 20-40 मिलीलीटर दिन में 2 बार पीना चाहिए। मूली के पत्तों का रस 10-20 मिलीलीटर और कलमी शोरा का रस 1-2 मिलीलीटर को मिलाकर रोगी को पिलाने से पेशाब साफ आता है और गुर्दे की सूजन दूर होती है। प्रतिदिन
आधा गिलास मूली का रस पीने से पेशाब के समय होने वाली जलन और दर्द दूर होते हैं। नींबू के पेड़ की जड़ का चूर्ण 1 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार लेने से गुर्दे की बीमारी में लाभ होता है। लौकी के टुकड़े टुकड़े करके गर्म करके दर्द वाली जगह पर रखने और इससे रस से मालिश करने से गुर्दे का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसे पीसकर लेप करने से भी गुर्दे का दर्द तुरंत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।